सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आयुष, एक बार आपका फिर से स्वागत है द ब्रिंगिंग फैक्ट पे। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी डेल्टा नदी बहती है और सबसे बड़ा सदाबहार वन है। यहां का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। इस देश में आधा से ज़्यादा लोग किसान हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि भारत का अभिन्न अंग बांग्लादेश था। 1947 के आज़ादी में बांग्लादेश भारत से कटकर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, जिसे कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का नाम दिया गया था। लेकिन 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद भारत के सैन्य प्रयोग द्वारा इसे अलग देश बना दिया गया। बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज में दो रंग है, हरा और लाल। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है और लाल रंग बांग्लादेश की मुक्ति की लड़ाई का। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और बंदरगाह वाला शहर चित्तगोंग बांग्लादेश का प्रमुख शहरी इलाकों में से एक है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस क्षेत्र में आधुनिक सभ्यता की शुरुआत 700 ईसा पूर्व में आरंभ हुई थी। बांग्लादेश में 80% लोग किसान हैं, जो कि सिर्फ खेती पर निर्भर हैं। बांग्लादेश कपड़ों के निर्यात में सर्वाधिक आमदनी प्राप्त करता है। यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प लीली है। बांग्लादेश का सबसे पुराना शहर महास्थानगढ़ है। सबसे पहले संगठनीय रूप से इसी शहर में लोग बसे थे। बांग्लादेश में अपनी मूल भाषा के रूप में 98% लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो यहाँ पे आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी का व्यापक रूप से उच्च शिक्षा और कानूनी प्रणाली में इस्तेमाल किया जाता है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। इसके 300 सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनकर आते हैं और 5 साल तक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बांग्लादेश में साक्षरता की स्थिति बेहतरीन नहीं है। सन 2010 के आंकड़ों के मुताबिक यहां कुल 61% पुरुष शिक्षित हैं और महिलाओं की साक्षरता दर 52% है। बांग्लादेश में कुल 17 एयरपोर्ट है। यहाँ का ढाका और चटगांव एयरपोर्ट सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं। आपको बांग्लादेश के बारे में यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके उत्तर जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।